सुल्तानपुर में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान सपा प्रत्याशी और समर्थकों द्वारा आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का धनपतगंज थाने में FIR दर्ज की गई है। दरअसल इंडिया गठबंधन से सपा प्रत्याशी रामभुवाल निषाद के साथ पार्टी के इसौली विधायक मोहम्मद ताहिर खान ने सोमवार को चुनाव प्रचार के दौरान धनपतगंज के पीरो सरैया स्थायी पंचायत भवन में कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क किया था, जिसको लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर आपत्ति दर्ज कराते हुए चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की थी, जिसके बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए स्टैटिक मजिस्ट्रेट ने जांच कराई तो प्रकरण सही पाया गया। वहीं स्टैटिक मजिस्ट्रेट ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन में दोषी पाए जाने पर सपा प्रत्याशी रामभुवाल निषाद और पार्टी विधायक मोहम्मद ताहिर खान और कुछ अन्य अज्ञात समर्थकों के खिलाफ धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। बता दें कि पिछले दो दिन से सोशल मीडिया पर यह मुद्दा छाया हुआ है। इस मामले को लेकर धनपतगंज थाना प्रभारी पंडित त्रिपाठी ने बताया कि स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तहरीर पर सपा प्रत्याशी और उनके समर्थकों के खिलाफ मिलने के बाद केस दर्ज किया गया है। अभी इनकी सड़क पड़े की बनाया पार्टी डाउन था, एक्शन लिया हमने, गड़बड़ काम कर रहा है, एसी को टाइट किया। अब टाइट करके जो है हमने उस पर निगरानी रखी, फिर टीम लगाई, जाकर नंबर एक काम हुआ कि नहीं हुआ भाई, कहीं पर कमी रही। और आप लोगों को जो सनलाइट दिया मिली, आपकी जो हाई मार्क्स लाइट आपकी दिल्ली यहाँ लग जाएगी। एक काम और कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहन भी आपकी ग्राम चलाती है। एक दलित बस्ती में सुनिए, एक दलित बस्ती में इसका परमिशन करो, बोल दीजिएगा प्रधान से, दलित बस्ती एक लाइट इसलिए हम दलित बस्ती में करवा दें, दलित ठीक ना, याद रहेगा भाई, दलित हमारा आज तो यादव मौर्य पाल और विश्वकर्मा कहार कुहार को और गरीब पंडित गरीब ठाकुर को हमको एक्स्ट्रा सम्मान देना है, मुस्लिम को भी देना है, मगर पहले इनको साथ सबको देना है, साथ भी देना है मुसलमान को, मगर मानवता के नाम इंसानी रखल दिया से पनीर पी लीजिए आपने सब, और मोहब्बत राय के ठाकुर तो रक्षक होता है और ठाकुर लोग खिलावा था हमारे सबका, तो ईश्वर जो है बहुत बड़ा सौभाग्य ठाकुर और आप लोग आवाज गुरबुरा मत बने, तो हमें कहा नहीं इनके जितना हम इनसे गलत कहा, 75 साल तक हम तो दे अब की नंबर